नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है आयमा बेग के हवाले से। आयमा बेग ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग में क्यों हैं? मी टू मूवमेंट वाले कहां सो गए हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ 360। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, आयमा बेग पाकिस्तानी इंडस्ट्री की एक मारूफ गुलूकारा हैं, जिन्होंने अपने करियर का आगाज दुनिया न्यूज़ के एक शो मज़ाकरात से किया था और उसके बाद फिर वो शोहरत की बुलंदियों को छूती चली गई। अच्छा, ये इन्होंने बहुत सारे हिट सॉन्ग्स दिए हैं, इन्होंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए। पीएसएल एंथम जो रिसेंटली था, उसका जो सॉन्ग था वो भी इन्होंने ही गाया था और उससे पिछला वाला भी इन्होंने ही गाया था। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है, इनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बात यह है कि ये ट्विटर पर ट्रेंड आखिर क्यों कर रही हैं? आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। कुछ अर्सा पहले आयमा बेग की पिक्चर्स वायरल हुई, इंगेजमेंट की पिक्चर्स थी वो, जो उनकी इंगेजमेंट शहबाज शिगरी के साथ हुई थी। बहुत धूमधाम से इंगेजमेंट हुई थी, लेकिन उसके बाद उनको लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। अच्छा, क्रिटिसिज्म की वजह क्या थी वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिर न्यूज़ ये आई कि आयमा बेग की इंगेजमेंट ख़त्म हो गई है। लेकिन अब आयमा बेग टॉप ट्रेंडिंग पे ट्विटर पर चल रही हैं। उसका रीज़न ये है, उनका एक स्कैंडल सामने आया है कि उनका अफेयर एक यूके बेस्ड फिल्म मेकर हैं, कैस अहमद नाम है उनका, उनके साथ उनका अफेयर चल रहा है। अब कैस अहमद की भी एक गर्लफ्रेंड है, तलूला मायर नाम है उनका, तो तलूला मायर ने उनको जगह जगह एक्सपोज किया है और उनको वायरल किया है। तलूला ने एक वीडियो में ये कहा कि आयमा बेग का ये कहना है कि उन्होंने जो कैस अहमद हैं उसने उनके साथ रेप अटैम्प्ट किया है, लेकिन जो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड है वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं ये जानती हूँ। उसके बाद फिर एक और वीडियो हमारे सामने आई जिसमें आयमा बेग कॉल पर थी और कैस उनसे बात कर रहा है और वो उनको पूछ रहा है कि जो कुछ भी हुआ था वो तुम्हारी रजामंदी से हुआ था और तुम चाह रही थी कि हो, तो तुमने ये एक्यूज़ेशन क्यों की मेरे ऊपर, ये तुमने कैसे की? ये इतनी सी वीडियो वायरल हुई। अच्छा, अब यहाँ पर बात ये आती है कि आयमा बेग एक स्टार है हमारी कंट्री की, हम उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बहुत से लोगों की रोल मॉडल भी होंगी, लेकिन जब उनकी इस तरह की हरकतें हैं, वो इस तरह की एक्यूजेशन कर रही हैं, फॉल्स एक्यूजेशन लगा रही हैं दूसरों पे। अच्छा, माजी में जो इस तरह के वाकयात सामने आते थे जहाँ पर एक मर्द ने औरत के साथ ज्यादती की है, तो सब शुरू हो जाते थे मी टू मूवमेंट लेके, मी टू हमारे साथ ये हुआ, मी टू हमारे साथ ये हुआ। अच्छा, अब इसमें जितने हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हमारे एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सब शुरू हो जाते थे कि हमारे साथ भी हुआ, एक तरह से मी टू मूवमेंट शुरू हो जाती थी। लेकिन अब जब सामने आया है कि एक लड़की ने एक लड़के को चीट किया है, ज्यादती की है, तो यहाँ पर सब मी टू मूवमेंट वाले ऐसा लग रहा है कि सो गए हैं, यहाँ पर कोई उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बताती चलूँ कि बहुत ज़्यादा एक हाइप मिली है इस चीज़ को कि शहबाज शिगरी ने अपनी वाइफ के लिए, अपनी वाइफ को चीट किया आयमा बेग के लिए, फिर आयमा बेग ने कैस अहमद के लिए शहबाज शिगरी को चीट किया, कैस अहमद ने तलूला मायर जो उनकी गर्लफ्रेंड है उनको चीट किया आयमा बेग के लिए, तो ये एक सर्कल चल रहा है, तो इसको बहुत से लोग कार्मा का नाम भी दे रहे हैं। तो इसी हवाले से जो आयशा शहबाज शिगरी की एक्स वाइफ है, उनका बयान सामने आया, उनकी एक ट्वीट सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा ताल्लुक आयमा बेग से पहले ख़त्म हो गया था और आयमा बेग उस बात का रीज़न नहीं है कि हमारा ताल्लुक ख़त्म हुआ है, आयमा बेग और शहबाज शिगरी की मंगनी उसके बाद में हुई है। नाज़रीन, हम बात करें कैस अहमद की, ये जो फिल्म मेकर हैं, तो इनकी भी हिस्ट्री कोई ख़ास अच्छी नहीं है, इनके भी माजी में बेशुमार स्कैंडल सामने आए हैं। जैसा कि तलूला मायर ने कहा इनके बारे में कि ये गोल्ड डिगर हैं और ये लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उनसे पैसे बटोरते हैं। अच्छा, जो तलूला मायर है खुद, उनसे कैस अहमद ने 20,000 पाउंड के करीब अमाउंट ली है। अब यहाँ पर ये बात नहीं समझ आ रही कि आयमा बेग को कैस अहमद से क्या लालच है या कैस अहमद को आयमा बेग से कोई लालच है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा, तलूला मायर ने ये भी बताया कि दुबई में कोई अपार्टमेंट लिया है आयमा बेग ने अपनी इनकम से और वहाँ पर इन दोनों ने साथ रहना था। अच्छा, अब हम आयमा बेग की अगर बात करें तो आयमा बेग ने अपना स्टार्ट जब लिया तो वो लोगों में बहुत ज़्यादा उन लोगों में पसंद की जा रही थी, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई और उनको और शोहरत मिलती चली गई, लेकिन उनके स्कैंडल्स भी इसी तरह सामने आते रहे कि वो एक डिसेंट सी लड़की थी, लेकिन जिस तरह उनको शोहरत मिलती गई, उनकी ड्रेसिंग सेंस पता नहीं कहाँ गायब होती गई, वो दिन ब दिन उनके कपड़े छोटे होते गए। अच्छा, फिर उसके बाद उनके चर्चे मुबशर लुकमान के साथ बहुत ज़्यादा उनके चर्चे सुनने में आए कि वो आजकल उनके साथ बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं, फिर उस मुबशर लुकमान के बाद साहिर अली बग्गा जो हमारे बहुत टॉप के सिंगर हैं उनके साथ उनके बहुत ज़्यादा चर्चे हुए, उसके बाद फिर शहबाज शिगरी के साथ उनकी इंगेजमेंट हो गई, शहबाज शिगरी के साथ जब इंगेजमेंट हुई तो इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ, और उसके बाद फिर अब ये कैस अहमद सामने आ गए हैं।
अब कैस अहमद के बाद कौन आएगा ये हम नहीं जानते, ये जब आएंगे तो फिर हम आपको बता देंगे कि अब और कौन सामने आएंगे। अच्छा खैर, ये सारे वाक्य तो चलते रहे, लेकिन आयमा बेग को चाहिए था कि थोड़ा सा अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखती। शोहरत के नशे में बंदे को इतना चूर नहीं हो जाना चाहिए कि वो अपनी इज्जत, अपने मुल्क की इज्जत, अपना मजहब सारा कुछ दांव पर लगा दे। तलुला मायर अपनी हर पोस्ट में, अपनी हर ट्वीट में मेंशन कर रही हैं इस बात को स्पेसिफिकली कि पाकिस्तान फेमस वुमेन सिंगर आयमा बेग, तो ये दरअसल पाकिस्तान का नाम ख़राब किया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने अपनी एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि मज़हब इस्लाम तो अपनी औरतों को बहुत मकाम देता है, लेकिन ये कैसी औरत है, ये कैसी मुस्लिम औरत है कि ये इतना गिर गई है। तो यहाँ पर बात ये है कि जो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो कर रही है उसको मज़हब या मुल्क से जोड़ना सरासर गलत बात है। उनको उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से रखा जाए, वो जो भी कर रहे हैं उनके अमार उनके साथ है, पाकिस्तान या मज़हब ने उनको नहीं कहा कि तुम ऐसा करो। और आयमा बेग को भी थोड़ी सी ये शर्म कर लेनी चाहिए थी कि उनको जितनी शोहरत मिल रही है वो अच्छे तरीके से भी शोहरत कमा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि शोहरत कमाने के लिए आप इतना गिर जाओ कि आप अपने मुल्क का, अपने मज़हब का नाम ख़राब करो। अच्छा, बहुत सारे लोग अब यहाँ पर ये बात भी कर रहे हैं कि तलुला ने गलत किया, आयमा बेग के साथ गलत हो रहा है, उसको इस तरह नहीं जो है ना एक्सपोज करना चाहिए था। लेकिन बात यह है कि गलत तो पहले आयमा बेग ने ही किया था, तो जब आप इतना गलत करोगे, जगह जगह पे आप मुंह मारोगे तो कोई ना कोई तो करेगा ना आपको एक्सपोज। तो आयमा बेग के साथ भी यही मामला हुआ है, उनको चाहिए कि आप थोड़ा सा जो है ना अपनी इज्जत का लिहाज कर लें, अपने मुल्क की इज्जत का लिहाज कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है ना कर लें अपने आप को सही और इस सब से निकल आएँ, और उसके बाद फिर तौबा तैयब हो जाएँ। जिस तरह चीटिंग का ट्रेंड आजकल बहुत ही ज़्यादा आम हो गया, हर बंदा बगैर कुछ सोचे समझे किसी ना किसी को चीट कर रहा है। अच्छा, हम लोगों की बात तो छोड़ देते हैं, लोग तो चीटर हैं ही, लेकिन ये जिनको हमने अपना एक आइडल माना हुआ है, हम रोल मॉडल्स मानते हैं, इनको हम फॉलो करते हैं इतना, ये लोग जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो ये लोग इंटरनेशनली बदनामियाँ समेट कर पाकिस्तान की झोली में डाल देते हैं। हालांकि अगर एक बंदा कुछ कर रहा है तो वो उसको पाकिस्तान ने तो नहीं कहा या उसको मज़हब ने तो नहीं कहा कि तुम ऐसे करो। मज़हब तो अच्छाई की तबलीग कर रहा है, मज़हब तो कह रहा है कि आप अच्छे काम करो, किसी का दिल मत दुखाओ, चीटिंग मत करो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक बंदे ने चीटिंग की है और वो मुसलमान है, तो इसलिए इस्लाम ही ख़राब हो रहा है। फिर पाकिस्तान पर बात आ रही है कि पाकिस्तानी जो है ना फेमस वुमेन सिंगर है, तो ये सारा कुछ एक बहुत गलत बात है, आपको करने से पहले सोच लेना चाहिए था कि आप कर क्या रही हैं। अच्छा, अब जो भी हो गया उसको तो उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, उस पर शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं और हम क्या कहेंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि कुछ भी करने से पहले, एक आम इंसान है या एक सेलिब्रिटी है, कुछ भी करने से पहले आपको कम से कम सोच लेना चाहिए एक बार कि आप अपने मज़हब का नाम ख़राब कर रहे हो, आप अपने मुल्क का नाम ख़राब कर रहे हो, आप अपने ख़ानदान का नाम ख़राब कर रहे हो, और सबसे बढ़कर आप अपना फर्दन अपना नाम ख़राब कर रहे हो। तो ये मेरे ख्याल में इस पर सबको तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि हमारा मुल्क इन सारी बदनामियों से बच जाए। हमारा मुल्क वैसे ही बहुत सारी बातों में बदनाम है, कम से कम जिस चीज़ में हम बचा सकते हैं उस चीज़ में तो हम बचा लें। जी नाज़रीन, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, मिलते हैं आपसे नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।